खुशखबरी। दादी तेरे को शर्म नहीं आती इस उम्र में खुशखबरियां सुना रही है? कैसा लगेगा तेरा बेटा तेरे पोते से भी छोटा, तेरे को शर्म नहीं आती? कल को चाचा सुसु करेगा, कैसा लगेगा भतीजा नंगे चाचा को थप्पड़ मारता? अरे वो खुशखबरी नहीं बिट्टू, और वैसे भी वो खुशखबरी इस उम्र में कहां, इट्स टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। अरे हां, मैं दरअसल भूल गई तुझे बताने के लिए, बाहर है ना मुझे कुछ लोग मिले, मुझसे पूछने लगे किसी क्लासिकल संगीत को जानते हो, तो मैंने कहा क्या हां तुम्हें दिमाग खराब, तेरे को पता क्लासिकल क्या होता है? हाँ, वो मुझे नहीं पता बिट्टू, बस मैंने उनसे ये भी कह दिया कि तुमने जाकिर हुसैन के पास सीखा है। तेरा दिमाग खराब है, तेरे को पता है जाकिर हुसैन साहब कौन है? पता है, गाइड है, ताजमहल के बाहर बैठ के तबला बजाता रहता है और बार बार कहता रहता है वहां ताज वहां ताज। दिमाग खराब है दादी का, हर जगह मेरे को फंसा के आ जाती तू। अब तुम्हें ही फंसाऊंगी ना, इस उम्र में खुद फंसूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? और ये समझता नहीं है सित्तू बाजी, अगर किसी को संगीत सिखाएगा तो घर में चार पैग आएंगे ना, पटियाला पैग, पटियाला चार पैसे आएंगे ना। हाँ, और सुन, उनको अपना नाम कपिल शर्मा मत बताना। क्यों? अरे उनको कहना कि तेरा नाम है पंडित कपिल शंकर। वाह वाह, ये क्या नाम हुआ, कैसे? ये नाम अच्छा है, कपिल शर्मा बड़ा कॉमेडियन सा नाम लगता है। और ये ले जल्दी से, ये ले, ये शॉल उड़ रहे, लाल में कितने लाल 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 लगता है। पहले गर्मी लग रही मेरे को। क्या है ये, होता है ये, फेंक दे सब। अरे ये क्यों गया, लाल 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 लाल। ये ले, ये भी लगा ले, लगा ले, लगा ले। ये क्यों पहना रही मेरे को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे मैंने उनसे कहा है कि बचपन से तेरी आंखों की रोशनी चली गई है। क्या? हाँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, सिर्फ ऑडियो के चक्कर में जिद्दा है। तो अगर मेरी दादी ना होती, तेरी आंखें फोड़ के ना तेरे को लगाता ये चश्मा में। बटन कहीं की। वो लोग आ गए, जो फोड़ना है फोड़ दे, जल्दी से बैठ जा, संगीत का माहौल बना दे। संगीत का माहौल क्या, उदित नारायण जैसा मुंह बना के बैठ जाऊं? बिल्कुल जो बनाना है बना, लेकिन रियाज तो शुरू करो, आते ही होंगे, बैठ जा। यस। शुरू कर। तेरिया मेरिया भूल गया, भूल गया तेजी। पंडित कपिल शंकर जी का घर यही है। ये मैं की करना जीत नू। जी जी मेरी बात सुनिए। जी जी आइए, यही है पंडित कपिल शंकर का घर। पहला लूट लिया मैंने, दो बार का आपको सुनाई नहीं दिया, उन्होंने एक बार का आपको सुनाई दी। नहीं कैसे कहना कि बचपन से आंखें नहीं है तो मेरे को सुनाई नहीं देता है। सुनाई तो लेकिन कान से देते ना आपको, आंख से मतलब क्या लेने देना। जब आंखें नहीं है तो क्या पता कौन सा अंग किस काम के लिए आता है, नहीं ना पता लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मुंह से खाना खा लेता हूँ। लो बताओ, सारे मुंह से खाना खाते हैं, उसमें क्या है? नहीं नहीं, लेकिन किसी के मुंह से निकाल के तो नहीं ना खाते भाई साहब। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी वो एक्चुअली क्या है ना, जो इनकी माँ है, मतलब मेरे होने वाली सास जी, उनकी एक शर्त है कि मेरी शादी इनके साथ तभी होगी अगर मुझे गाना आता हो तो। जी ये सास है कि अनु मलिक है? ये कैसी शर्त रखती उसने? देखिए आपको संगीत सीखना ना, उसका बेसिक सीखने के लिए भी आपको कम से कम 7 साल लगेंगे। 7 साल? जी लेकिन बाहर तो मैंने देखा 6 साल का बच्चा बड़ा अच्छा गाना गा रहा था। वो बच्चा नहीं, हमारा पड़ोसी है कैलाश खेर, बच्चा लगता है। है नहीं? अच्छा वैसे आप बुरा मत मानिएगा, आपको संगीत का कितना ज्ञान है? संगीत का मुझे जितना ज्ञान है किसी को उतना ज्ञान ही नहीं है, गुलाम अली साहब को भी इतना ज्ञान होगा। सागर मतलब? आप गुलाम अली साहब से जाके पूछ लो सेकंड हैंड हारमोनियम कहाँ मिलते हैं, उनको नहीं बताएगा। लेकिन मैं गुलाम अली साहब का फैन बड़ा हूं। मैं कह जो आदमी गुलाम होकर इतना अच्छा गाता है, अगर कहीं उसको आजाद कर दो तो वो क्या नहीं गा सकता। वैसे उस म्यूजिक में कितने सुर होते हैं? हाँ। आप बताइए कितने चाहिए आपको? कितने चाहिए का क्या मतलब होता है? मतलब मेरे हिसाब से 7 सुर तो होते ही होंगे नहीं? देखिए ये सब बातें बनी हुई है जी, 7 सुरों में से करोड़ों गाने निकल सकते हैं? कभी नहीं निकल सकते। ये जो पुराने बुजुर्ग थे इनका मैथमेटिक्स वीक था, ऐसे फालतू में 7 बोल के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो पुराने जमाने में 7 से ज्यादा गिनती आती नहीं थी उनको, अपने बच्चे भी ऐसे गिनते थे, ये 7वें के बाद वाला है,
ये साथ में छोटा, ये साथ में के छोटे के छोटा, ये साथ में के बड़े का बड़ा, बड़ बड़ बड़ा, बड़ बड़ बड़ा, ये सब होता था। बाकी टोटल जो सुर होते हैं वो होते हैं 81,15,527। कंफ्यूज हो गई मोहतर। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है जो कि करेक्ट है, एक हारमोनियम में 7 सुर होते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको की बात मानता हूँ, एक हारमोनियम में 7 होते हैं, लेकिन दुनिया में देखिए ना कितने हारमोनियम है, सब में 7-7 डाल दो तो उस हिसाब से हो गया ना। मुझे लगता नहीं इसको म्यूजिक म्यूजिक कुछ आता है, मेरे को तो शक हो रहा है। गुरुजी, गुरुजी दिलेर मेहंदी जी का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि वो ना अपनी कंपोजिशन भूल गए हैं। दिलेर जी, आपने सारी मेहंदी तो अपने नाम के आगे लगा रखी है, 22 इयर्स से मैं अपने हाथ पीले करने के लिए बैठी हूँ। खैर, आप ये कंपोजिशन सुन लीजिए, गुरुजी को डिस्टर्ब मत कीजिए ज्यादा। हाँ जी दलेर जी, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग में है, कंपोजिशन भूल गए? हाँ वो ऐसी है, तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन, तुनक तुनक तुन, दादा मा। हाँ ये गाना तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मैं सुन चुका हूँ उस गाने को। हाँ तो पहले ठीक नहीं ना गाया, दोबारा से गा रहे हैं। पहले ये जो गाना था तुनक तुनक तुन दादा दा, अभी मैंने गाना थोड़ा चेंज किया, तुनक तुनक तुम दादा मा। मतलब दादा मा कर दिया आपने इसको, पारिवारिक बना दिया क्या इसको? जी जी जी, दादा मा कर दिया। एक मिनट गुरुजी, कुमार शानू जी का फोन आ रहा है, वो कहते हैं कि वो अपनी टोन भूल गए हैं। हमेशा भूल जाते हैं। हेलो कुमार, हाँ सुनो, आपकी टोन ये है, अभी याद रखना, बार बार मैं टोन नहीं याद कराने बैठा, ठीक है? थैंक यू। वैसे आप कौन हैं? जी मैं मेरा गुलाम अली जी के साथ नगाड़ा बजाती हूँ। गजल में नगाड़ा ये कैसे हो सकता है? मतलब क्यों बे, पजामे में नाड़ा हो सकता, तो गजल के साथ नगाड़ा नहीं हो सकता। नगर निगम? नहीं नहीं, सोनू निगम। मैंने ठुकरी खाई तो थी तुम्हें कल। मम्मी जी क्या है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। गुरु जी क्या सिखाते हैं आप? संगीत सिखाते हैं ये संगीत? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, क्या सिखाते हैं आप? आप कैसे इस उम्र में सीख रहे हैं? अरे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। पिछले 60 साल से सीख रही हूँ, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ। अधूरा ज्ञान है। क्लासिकल सीख चुकी हूँ, वेस्टर्न बाकी है। इतनी सी थी तब से इनके पास सीख रही हूँ। इतनी सी तो कोई भी नहीं होती है वैसे। लेकिन एक बात बताइए, आप 60 साल से संगीत सीख रही हैं, ठीक है? आप बुढ़ी हो गई, लेकिन ये कैसे जवान अभी तक? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि पकड़ी गई। इसका जवाब पंडित जी देंगे गुरुजी। तो क्या है कि संगीत आदमी को इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा बना देता है कि ये भी बड़ी बन गई, अदरवाइज ये 8-9 साल से ज्यादा नहीं उम्र इनकी। ठीक है, आपकी ये लीजिए फीस। जी लाइए। एक मिनट, आपको कैसे पता चला मैंने आपको पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला? तो फीस बोल के जेब में से बादाम थोड़ी ना निकालेंगे आप। लाइए पैसे दीजिए। 5,000। चलिए आइए गाना शुरू करते हैं। आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए, मेरे साथ बैठ जाइए, इधर इधर मेरे साथ बैठ जाइए। हाँ जी। और आप दोनों का जहां दिल करे बैठ जाइए, ठीक है? इधर मत बैठिए, आओ आइए, गोदी में बिठा ले। पहले मैं आपको राग गिरदारी के बारे में बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने सुना कि राग दरबारी होता है, राग गिरधारी कहाँ से हो गया? अगर इतने सुन सुना के आए हो तो इसको खुद ही सिखा रहे थे, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? अब अगर आपने बीच में बोला तो ये समझ लीजिए, दिखाई भले मुझे नहीं देता लेकिन गंदी गालियां मुझे दो आंखों से वाले से ज्यादा आती है। इधर आओ आप, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। नहीं ठीक है। कमान, हाँ तो गोद में बिठा ले, गोद में। कमान, जितना उस्ताद के साथ फ्रैंक होगी उतना ही अच्छा म्यूजिक आएगा। हवा भरिए आप उसमें, हवा भरिए। मुझे तो लगता है वहां वहां ना करा दे तू।
पिए होंठ तेरे। वो पिए होंठ तेरे पैसा दिल मेरा है। वो सारी रात मेरे साथ गुजार सुबह तक तुझे करूं प्यार। इस गाने से खुश हो गए लड़के की मम्मी जी 50 रुपए का नाम भेज रही, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अभी के होंठ तेरे। पंडित जी गाना एंजॉय मत करिए इतना आप। शर्मा जी आप क्या कर रहे हैं? शर्मा जी नहीं, भार्गव गोत्र है हमारा, भार्गव। शट अप, मैं इनसे पूछ रही हूँ। भार्गव पंडित जी हैं। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, तुम कब से कथा सुनाने लग गए? कथा कथा, ये कौन और ये क्या कह रही है? ये हमारी शिष्य है। ये हमारी शिष्य है। तो क्या है कि आपको पता ही है, कहावत सुनी होगी आपने कि गधे के सामने जितना मर्जी पनीर रखो खाएगा घास ही। तो इसको 5 साल से सिखा रहा हूँ, सीखती नहीं है, उस चक्कर में थोड़ी सी पागल होगी। इसकी बातों पर ध्यान न दे आप। पागल हो गए हो तुम, रोज एक नया नाटक शुरू कर देते हो। नाटक? पूरा डायलॉग आपने सुना नहीं, नाटक मतलब हम विभिन्न प्रकार के नाटक करते रहते हैं। तो उसमें हमारी शिष्य गाती, लेकिन हमने इसको कभी गाने का मौका नहीं दिया। इस चक्कर में थोड़ा पागल हो रही, भड़क रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा। आपको पता है गुरु जी का घराना? ये कौन सा घराना है? मोहम्मद रफी जी। ज्यादा दूर मत जाओ, नजदीक आओ। जब तक वो इनके घर से चाय पीकर नहीं जाते थे, वो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे। क्या मोहम्मद रफी साहब कब चाय पी के गए? जब 10 दिन से मैंने चाय नहीं पी। तू चाय पी के क्या करेगी, तेरी कौन सी रिकॉर्डिंग है? चल अंदर जाके रियाज करो। चलिए रियाज? अरे कौन सा रियाज, कहाँ का रियाज? शिष्य, ये शिष्य। हाँ शिष्य तो चल के रहा है। रियाज रियाज होता क्या चल रहा है यहाँ पे? इसको क्या पता, ये तो कल ही पैदा हुई है। कल ही पैदा हुई और देखो साड़ी बांध लो इसी के, क्या घराना हो गया। साफ करो। ठीक है, चल भार्गव कितना अच्छा गाते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है। तुझे आपको याद है गुरु जी? आपके घर से चाय पीने के बाद उन्होंने वो गाने की रिकॉर्डिंग की, सुपर हिट गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मैं किशोर कुमार ने गाया है। एक मिनट, रॉन्ग नंबर लगा रही है। ये गाना तो किशोर कुमार ने गाया है। हाँ। क्या बात कही? क्यों? क्यों? सपने सिर्फ किशोर जी को आते थे, रफी साहब सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी। एक सेकंड दादी। हाँ? सुनो, तुम ये आंखों में काला चश्मा लगा के क्यों बैठे हो? तो आंखों में चश्मा नहीं लगा, नेल पॉलिश लगाऊं? पागल है तुम? एक सेकंड पंडित जी, जरा मेरे साथ अंदर तो चलिए, मैं बताती हूँ क्या लगा के बैठना चाहिए। चलिए दो दो हाथ लगाते हैं। चलिए दो दो हाथ, दो दो हाथ मतलब पियानो पे रियाज करते ना, दो हाथ लगा के। मुझे तो दाल में कुछ पंडित नजर आ रहा है। मेरा मतलब दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे यार। क्या दाल दाल कर रहा है? हाँ। शक्ल तो देख, दही का पकोड़ा लग रहा है तू। पकोड़ा दही का नहीं, कड़ी का होता है। जो भी हो पकोड़ा तो बोलो ना। अरे आप समझी नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि पंडित जी को ना गाना वाना सिखाना नहीं आता और उनकी कोई शिष्या भी नहीं है। हाँ। का मतलब क्या बात कर रही हो तुम? मैं हूं ना शिष्य। अच्छा। वो मुझे सिखाते, क्या सिखाते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा शिष्य हो। हाँ। तो ठीक है, फिर कोई गाना सुनाओ। नहीं नहीं, इस उम्र में मुझे गाना शोभा नहीं देता। सुनाएगी गाना भाई, ठोको ताली गाने के लिए। सुनाओ दादी। कह रही है इस उम्र में मुझे गाना शोभा नहीं देता। तो क्या इतना जो गाना सीखा हमने मैयत के लिए सीखा है, उसमें गाओगी? चलो गाओ। गाने से पहले ऊपर वाले को याद कर लेती हूँ। ए बिट्टू। बिट्टू? आप ऊपर वाले को बिट्टू कहती हैं? ऊपर वाले का कोई नाम थोड़ी ना होता। ऊपर वाले को आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। अच्छा। चिंटू, सिद्धू, बिट्टू। सिद्धू? ए बिट्टू। मैं गाने वाली हूँ।
गाने की लाज रखनो। मैं शुरू करती हूँ। कर कर। One, two, three. आज कल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद। आप गाना गा रही हैं, लेडी हैं और आवाज मोहम्मद अजीज की निकल रही है, कैसे है? सुपड़ी में घुमड़ी। जब गाना ही मोहम्मद अजीज का है तो लता जी की आवाज में थोड़ी ना गाऊंगी। फिर से शुरू करती हूँ। मैजिकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। मेरे हाथ रखने के बाद आपने बात गाया, ये कैसे? हंसता क्या है? जाहिर सी बात है, जब लव जी बात है तो बाद में ही आएगा ना। कंटिन्यू। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले जाइए और फिर आइए जान जाने के बाद। वो पकड़ी गई है, गला रिलैक्स कर लो आप आराम से। मैं पुलिस को फोन लगा दो, पुलिस आती होगी यहाँ पे। आराम से वो ना आपके जो बैक स्टेज पे ऐसी दाद देगी ना पुलिस की, आपका बैक स्टेज एकदम मतलब ऐसा हो जाएगा, एकदम फूले नहीं समाएगा बैक स्टेज आपका। और जो गजलें आप बैठ के गाते हैं ना, पहले इंसान होंगे जो खड़े होकर गजलें गाएगा। जोरदार तालियां इनके लिए। वन हंड्रेड इस शो में ट्रेंड ही होगा एंड में भागने का। पैसे तो मेरे पास ही हैं, चलो हम भी भागते हैं। और नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। ऐसे नहीं, रेडी? वन टू थ्री।